वनडे किसने जीता है ये बहरहाल मैन ऑफ द मैच कौन है ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद ही पता लगेगा, लेकिन राहुल गांधी की पारी कैसी रही इस सियासी पिच पर, राहुल गांधी का आगाज कैसा रहा उसकी चर्चा करेंगे। विश्वास अविश्वास का जो वनडे है वो किसने जीता इस पर चर्चा। विश्वास प्रस्ताव को लेकर बहस लगातार जारी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। सीधे रुख करेंगे, लोकसभा का मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं इस वक्त। भाषण सुने और होम मिनिस्टर साहब भी और पासवान साहब भी और मंत्रीगण भी इसमें जो हिस्सा लिए, उन्होंने इस चार साल में मैं इसलिए तो खड़गे जी आपका भाषण का फ्लो नहीं टूटे है वैसे एक मिनट, मगर अभी प्रस्ताव रखती हूँ क्योंकि आपका एक मिनट में तो भाषण नहीं होना। तो अभी हम 7 बजे तक सदन को बढ़ा देते हैं क्योंकि ये सब पूरा करना है, बाद में और देख लेंगे, लगे जैसा लगे भाषण होते देख लेंगे ना। अभी तो 7 बजे तक पढ़ाते हैं आप सबकी सहमति से। ओके, देखिए दोनों नेताओं का भाषण भी सुना और दूसरे माननीय सदस्यों का भी सुना। मैं ये समझ रहा था, समझने की कोशिश किया कि इस 4 साल 3 महीने में इन्होंने क्या हासिल किया, क्या उपलब्धियां लोगों को दिए और पिछले सरकार से आज के सरकार में कितने कितने कार्यक्रम में वो आगे हैं, इसका पूरा यहाँ पर प्रस्ताव करेंगे ऐसी मेरी एक आशा थी। लेकिन राजनाथ सिंह जी देश के इतिहास पढ़ाए हमको, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि कल्याण की जो क्रांति बसवेश्वर जी उनका नाम भी यहाँ प्रस्ताव किया और अनुभव मंटप के बारे में भी जब बताए तो हमारे दोस्त थोड़े थपथपा रहे थे क्योंकि अनुभव मंटप ये एक हर कर्नाटक के हर एक को मालूम है और हमको वो पाठ पढ़ा रहे थे। और उसके जो अध्यक्ष एक पिछड़े हुए समाज के थे अल्लम प्रभु, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपना निर्णय लेते थे। वैसा ही महात्मा गौतम बुद्ध, उनका जो संघ था पहले लक्ष्मी और दूसरे जो प्रदेश छोटे छोटे सभी मिलके वो संघ जो बनाए थे, उस वक्त संघ में जो निर्णय होता था वो उसका। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त बोल रहे हैं, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का है जिसमें पूरी बहस का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर जी न्यूज़ की नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल यह कि विश्वास अविश्वास का वनडे किसने जीता, कांग्रेस पार्टी कह रही कि सिक्सर लगा दिया। एक बड़ा पैनल मेरे साथ, मेरे साथ गौरव भाटिया है, आपका स्वागत है। मेरे साथ नवाब मलिक, दिनेश वाशने, राजीव रंजन, अभी दुबे, निनाद सेठ और अली रशदी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो मेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले गौरव भाटिया, आप ही से चर्चा की शुरुआत। ये वनडे मैच हम इसको कह रहे हैं क्योंकि ये आनंद कुमार की तरफ से कहा गया था, आपको याद होगा कि वनडे के जमाने में कांग्रेस पार्टी टेस्ट खेलने की बात करी है 5 दिनों का। सवाल ये कि अविश्वास अविश्वास का वनडे किसने जीता, क्योंकि शशि थरूर कह रहे हैं कि सिक्सर मार दिया राहुल गांधी ने, गेंद बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दी है। नहीं, जब काउंटी क्रिकेट का प्लेयर वर्ल्ड कप में खेलता है तो अक्सर हिट विकेट करता है और वो ही राहुल गांधी की आज हालत है।
और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी कह रहे थे 15 मिनट बोलने का समय दीजिए और भूकंप आ जाएगा। कोई भूकंप तो नहीं आया, लेकिन जो एक लोकतंत्र की मर्यादा होती है, परंपरा होती है, उसको तार तार कैसे किया जाता है ये राहुल गांधी ने दिखाया। 50 साल का एक व्यक्ति कैसे एक बच्चा रह सकता है ये राहुल गांधी ने दिखाया। और मैं ये इसलिए कहता हूँ कि दो बातों पर मैं टिप्पणी करूँगा। पहली बात, आप जब एक आंख मार देते हैं किसी चीज के बाद, मुद्दा उठा रहे हैं किसानों का, मुद्दा उठा रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण का, मुद्दा उठा रहे हैं आर्मी का, और उसके बाद आंख मार रहे हैं, ये बड़ा छिछोरापन होता है। और अक्सर हमने देखा है कि राहुल गांधी ऐसी गलतियां करते रहते हैं। दूसरी बात, आप संसद में हैं, उसकी एक मर्यादा होती है, आप भाषण खत्म करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाते हैं, और जैसे मुन्ना भाई MBBS की शूटिंग हो रही है, झप्पी देने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो परिपक्वता और गंभीरता होनी चाहिए एक नेता में वो नहीं दिखाई दी। अब मैं मुद्दों पे आता हूं। जो मुद्दे देखिए, जो राहुल गांधी ने बोला भी तो उसमें क्या बोला, और जिसपे देश इंतजार कर रहा था कि राहुल गांधी बोलेंगे वो नहीं बोला। उन्होंने महिलाओं को मजबूती देने की बात करी, तो भाई ट्रिपल तलाक बिल पेंडिंग है, और नरेंद्र मोदी जी ने कानून मंत्री के हवाले से एक चिट्ठी भिजवाई कि महिला आरक्षण पे भी हम लोग साथ साथ पास कराते हैं। क्यों उस मुद्दे पे नहीं बोला? क्योंकि उन्हें पता है तुष्टीकरण की राजनीति करते रहना है, एक दल विशेष के लोगों को हमें लुभाना है, और इसीलिए आज फिर वो नहीं बोले। ठीक है, मेरे साथ अभय दुबे मेरे साथ है, अभी दुबे मेरे साथ अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन नवाब मलिक साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ये अब इस भाषण, इस ओजस्वी भाषण के बाद तो राहुल गांधी को विपक्ष का नेता मानेंगे शरद पवार या आप लोग सारे ने, आप सारा पूरा विपक्ष, आप कोई जूनियर तो नहीं कहेगा उनको? मुझे लगता है अभी नेता नहीं, नेता तय करने का आज विषय नहीं है। आज विषय जो चर्चा हुई उसके बाद जो घटनाक्रम है और जिस तरह से बीजेपी परिस्थितियों को झेल नहीं पा रही है वो विषय है। एक है कि राहुल गांधी ने कहा कि मैंने आपसे सीखा है, प्रधानमंत्री लोगों से बहुत ज़ोर से गले मिलते हैं, लगता शायद वो आज उन्होंने वो सीख कर प्रधानमंत्री जी से गले मिलने का एक काम उन्होंने किया है। जहाँ तक आँख मारने का सवाल है, वो अपने टेबल पर थे, अपने बेंच पर, अपनी कुर्सी पर, और बगल में शायद उनके किसी साथी ने कोई सवाल पूछा होगा या सलाह दी होगी, उसको रिप्लाई उन्होंने किया है, प्रधानमंत्री को आंख मार दी या और किसी को आंख मार दी। मुझे लगता है भारतीय जनता, जरा सुनिए ना, पूरी बात हो जाने दें। आप बहुत सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है सर, आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। किसी कोई भी मजबूरी हो, कुछ भी वार्तालाप हो, कुछ भी हो, सुमित्रा महाजन की तरफ से भी रोका गया, टोका गया, आप आंख मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? राहुल गांधी ने जो सदन में, संसद में आंख मारी, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, घटना नहीं, किसको आंख मारी? अपने बगल में बैठे हुए अपने साथी को मारी? वो दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ, किस बात पर उन्होंने रिएक्ट किया, वो दो व्यक्तियों के बीच का विषय है। यही सीरियसनेस लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस विषय को, महिला सुरक्षा पर बोल रहे हैं, किसानों पर, वो बता रहे हैं कि मैं नौटंकी कर रहा था। नहीं नहीं, मुझे या तो वो बता रहे हैं मैं नौटंकी कर रहा था, भाई ये ड्रामा चल रहा था, एक्टिंग चल रही थी सर। नहीं, एक अपरिपक्व लड़का किसी की तरफ आंख मार देता है तो हम सब जानते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं उसके बारे में, इसलिए सीरियस नहीं लेते आप लोग। लोकतंत्र के मंदिर में राहुल गांधी ये भाषण देने के बाद आंख मारते हैं और इसको डिफेंड किया जाता है। बात करने देंगे, हाँ बिल्कुल नवाब मलिक साहब, मुझे बात करने देंगे, मतलब इसलिए सीरियसली नहीं लेता विपक्ष राहुल गांधी, इसलिए जूनियर कहा जाता है, साइकिल से उतार दिया जाता है, मुझे बात करने देना नवाब मलिक साहब। आप ये आपकी बात होगी, लेकिन ऐसा है कि ये सब चीज़ें क्यों सारी मीडिया में दोपहर के बाद से चलने लगी? मुद्दा गंभीर सबसे बड़ा उठा है राफेल डील का, जिस विषय में उन्होंने स्पष्ट रूप से 520 करोड़ के 1600 करोड़ कैसे हो गए, ठीक है, जिसको लेके उस समय हंगामा हुआ, रक्षा मंत्री बोली कि मुझे इसका राइट टू रिप्लाई के अंतर्गत जवाब देना है, रक्षा मंत्री ने अब उसके कहा कि ये डील जो है ये सिक्योरिटी कोड के तहत, सीक्रेसी कोड के तहत दस्तखत की गई, और उसके बाद सारी चीजें दो घंटे के भीतर वो सारे विषय से बाहर निकल कर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आंख मार के ये नहीं दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के टाइम पे ये साइन हुआ था। और जहां तक कॉस्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं,
नवंबर 2016 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस सुभाष भामरे जी ने 20 करोड़ डिस्क्लोज किया कि और मोदी जी के समय 1600 करोड़ ठीक है संसद के पटल कांग्रेस के समय एचएएल के साथ क्यों नहीं मलिक साहब हाँ और मोदी मलिक साहब यकीन मानिए आज नवाब मलिक साहब ये चीज अंबानी ठीक है कंपनी के साथ ठीक है ठीक है नवाब मलिक साहब यकीन मानिए आज आज नवाब मलिक साहब एक मिनट सर मैंने आपको पूरा मौका दिया मेरे साथ और भी पैनलिस्ट है नवाब मलिक साहब आज उनका भाषण वाकई बहुत बेहतरीन था बहुत जोश के साथ था और लग रहा था कोई लीडर बोल रहा है सर वो पहले लग रहा था मास्टर स्ट्रोक है क्या शानदार भाषण दिया लेकिन सर अपनी भद्द खुद पिटवाली आंख मार के पहले लग रहा था मास्टर स्ट्रोक फिर लगा ये ड्रामेबाजी है पॉलिटिकल स्टंट था और कुछ नहीं था सर वो उन्होंने एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग खुद अपनी किरकिरी कराई सर दो घंटे बाद मौका मीडिया को खुद दे रहे ना खुद आंख मार दो घंटे के बाद परसेप्शन बनाया जा रहा है ठीक है सर अब्बास अली रजदी साहब साथी इसलिए आंखों से बात कर रहे हैं ठीक है सर इसलिए साइकिल से उतार दिया आप लोगों ने इसलिए कोई सीरियसली नहीं लेता राहुल गांधी को शायद वो खुद ही सीरियस नहीं होते हैं कभी जी कोई सवाल पूछना चाह रहे थे आप मैं रजनी साहब पूछ रहा हूँ इसलिए सीरियसली नहीं लेते राहुल गांधी को कोई ना अखिलेश यादव साइकिल से उतार चुके हैं समाजवादी पार्टी इसलिए विपक्ष का नेता नहीं मानती अब तक राहुल गांधी को वो खुद ही सीरियस नहीं है राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के अच्छे रिश्ते हैं कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस हमारी दोस्त है इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी बहुत साफ कर चुके हैं और सीरियस कौन लेता है कौन नहीं लेता है इसके ऊपर बहस नहीं होती क्योंकि जो उनको सीरियस नहीं लेते उस पर बहस करते हैं शायद उन्हीं के हाथ में अधिकार नहीं है पूरी सरकार बनाने का पूरी देश की जनता तय करती है कि सरकार किसकी होगी जी। मैं आज ये जरूर कहूंगा कि जो आपके डिबेट का टॉपिक है कि ये बात है कि इस वनडे को किसने जीता ये एक बेहतरीन मौका था विपक्ष के पास पूरे 4 साल के बाद कि जो 4 साल तक सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी मन की बात करते रहे आज विपक्ष के पास मौका था कि उनसे उनकी मौजूदगी में जनता के मन की बात पर उनसे जवाब तलब करे और हम इसके लिए बधाई देते हैं राहुल जी को भी बधाई देते हैं और नतमस्तक होकर बधाई देते हैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश का हवाला देकर के क्योंकि उत्तर प्रदेश इस देश की 1/6 आबादी है वहां की समस्याओं से पूरे देश की समस्याओं को जोड़कर जिस तरीके से किसानों और नौजवानों की बात को उठाया है और सरकार को घेरने का काम किया है यहां बैठकर कुछ भी कहा जाए लेकिन ये मौका एक बेहतरीन मौका था ये पहला अविश्वास नहीं आया इस देश में और हर अविश्वास के संबंध में काफी रिहर्सल की होगी राहुल गांधी ने आज के दिन के लिए देखिए जितनी उपमाएं दें आज राहुल गांधी जी ने एक बात सिद्ध कर दी कि जितनी भी नफरत जितनी भी आलोचना जितने भी कटाक्ष राहुल जी के लिए करें वो प्रेम का प्रदर्शन ही करेंगे आज प्रधानमंत्री जी को उन्होंने एक तो सच का देश को भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया जिस प्रकार जीएसटी पर जिस प्रकार भ्रष्टाचार पर जिस प्रकार आंध्र प्रदेश पर बेरोजगारी पर किसानों पर महिलाओं पर दलितों पर एक स्पष्ट रूप से रेखांकित किया समालोचना करके भारतीय जनता पार्टी की मैं आलोचना शब्द भी नहीं यूज करता और फिर प्रधानमंत्री आपने चेयर को सुना क्या कहा सुमित्रा महाजन ने क्या कहा हम अपनी आपने चेयर को सुना सुमित्रा महाजन को सुना आपने क्या कहा मैं आपको एक कि वो नरेंद्र मोदी नहीं है वो देश के प्रधानमंत्री हैं हाँ बिल्कुल सुना हम बिल्कुल जैसे वो आंख मार रहे हैं ये सब शोभा नहीं देता हूँ जिसमें छोड़ा है अमन जी मैं अब चर्चा में वो उनको जाके हम कर रहे हैं उसके बाद जाके आंख मार रहे हैं सुमित्रा महाजन ने कहा चेयर ने कहा कुछ तथ्यों पे भी अमित दुबे साहब अमन जी बुलाया है तो मुझे बोलने का अवसर दे दीजिए फिर उसके बाद चाहे पूरी डिबेट में मत दीजिएगा हम अपनी रूह आपके जिस्म में छोड़ आए हैं गले लगाना तो सिर्फ एक बहाना था हम अपना प्यार जो आपको यही बताना चाहते हैं कि इतनी नफरत मत पालिए गले काटने को माला पहनाने वाले लोग गले लगाने में भी बुराई ढूंढ रहे हैं आज
कितनी शर्मनाक बात है। आज तो मिसाल कायम की राहुल जी ने कि हम कितनी भी आलोचना समालोचना करें, अंततः हमको गले मिलकर देश के विकास के लिए साथ रहना है। आंख मार के कौन सा विकास कर रहे थे? पार्टी को आत्मसात करना चाहिए। आंख मार के कौन सा विकास कर रहे थे आप? आपने किया ये कौन सा विकास कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी डिजास्टर मैनेजमेंट में 2.5 घंटे लग गए। ताई सुमित्रा जी ने तो वो दृश्य देखे भी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि ऐसा ना हो राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए उन पर देश चर्चा करने लगे, इसलिए ये डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं उन विषयों को और एक ऐसे विषय पर चर्चा प्रारंभ करना चाहते हैं। अरे युवाओं से पूछिए तो सही, आज राहुल गांधी जी ने उनके ऐसा नहीं है, मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा था, आपसे सवाल पूछा था, बीच में हमने काउंटर क्वेश्चन किया था और आपको पूरा मौका दिया गया। पहली बात, दूसरी बात, आप ही लेट जुड़े थे सर, मैंने आपको लेट जुड़ने के लिए नहीं कहा था। अमन जी 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 ठीक है, दिनेश वाशिष्ठ सर, एक मिनट सर, एक बार डिबेट ओपन होने दीजिए, उसके बाद बोलेगा सर। एक मिनट सर, दिनेश वाशिष्ठ, राहुल गांधी पर भरोसा है? अब राहुल पर विश्वास है इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद? अब विश्वास है राहुल पर, सीपीआई को, सीपीआईएम को, वामपंथी दलों को? देखिए सीधा सवाल इसी पर जवाब दीजिएगा। बात विश्वास अविश्वास की नहीं है, बात नहीं है राहुल पर विश्वास। सुनिए आप, या तो प्रश्न पूछने के बाद सर सवाल का जवाब आप उसी सवाल का नहीं देंगे तो आप घुमाएंगे तो पूछना पड़ेगा ना सर आपको। आप राहुल पर विश्वास है हाँ या ना सर? आप हाँ या ना में तो मैं आपका स्टूडेंट तो नहीं हूँ ना। ठीक है सर, नहीं है मैं आपका स्टूडेंट, बेशक आप नहीं है ना, मत बुलवाइए, नहीं है ना सर। ठीक है मैं चला जाता हूँ। राहुल गांधी पर विश्वास है अविश्वास है? आप मुझे मेरी कमेंट को लीजिए, आपने प्रश्न कर लिया उसका मैं उसका उत्तर कैसे दूंगा? मैं छात्र के नाते भी जवाब दूंगा ना उसका, और एज ए प्रोफेसर भी दूंगा, एज ए स्पोक्स पर्सन भी दूंगा। राहुल पे नहीं बोलेंगे। सुनिए प्रश्न ये उठता है कि शिष्टाचार किसी भी डेकोरम से पीछे नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स में, संसदीय जनतंत्र में हमें ये सीखना चाहिए कि विरोध में रहें या पक्ष में रहें, आपस में नीतियों की आलोचना करें, व्यक्ति पे हमला ना करें, व्यक्तिगत हमले ना करें और उस शिष्टाचार को आगे बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी होता है। अब आइए मुद्दों पे। बात ये है कि ये लेटर थॉट है कि क्या आंख मारी और क्या गले मिला, ये तो बात का थॉट है 2.5 घंटे बाद का। पर मुझे ये बताइए राफेल डील का क्या होगा जिसमें इतना भारी घोटाला, और इन्होंने अभी भी एक हेलीकॉप्टर का डील किया है उसमें भी घोटाला है, हाईवे घोटाला, सुन लीजिए, हाईवे घोटाला है, महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा का निजीकरण चल रहा है, शिक्षा को मुनाफे के लिए खोल दिया गया है, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, राफेल डील में उसको दे दिया गया जिसने एक सुई भी नहीं बनाई हवाई जहाज की, एक नट भी नहीं बनाया, और HAL पब्लिक सेक्टर कंपनी को से छीन के उसको दे दिया गया, उस पर जवाब दीजिए। किसान भुखमरे मर रहे हैं, हमने शताब्दी का सबसे बड़ा MSP दिया है, अरे बिजली के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिए, सीड के दाम बढ़ा दिए, पेस्टिसाइड के दाम बढ़ा दिए, कैसे आपने MSP दे दिया? स्वामीनाथन आयोग को आपने खतरे में डाल रखा है, तो बताइए आप। जवाब ले वर्षने साहब, पूरा मौका दिया दीजिए गौरव भाटिया जवाब। रफाल डील को लेकर सबसे पहला सवाल है आप लोगों से। हाँ बिल्कुल, मैं सबसे पहले रफेल डील पे ही बता दूं, रफेल डील 10 साल तक 42-43 स्क्वाड्रन होने चाहिए भारतीय वायुसेना के, 33 पे आ गए, 10 साल तक ये लोग डील नहीं कर पाए, बिचौलिए और कमीशन नहीं तय हो पाई कि कांग्रेस कितनी लेगी। 16 से 17 महीने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिचौलियों को हटाते हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंट डील करी और हमने देखा कि किस तरह से बिल्कुल पारदर्शिता है उस डील में। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आपने प्राइस नहीं बताया, ये बात बार बार ये लोग उठा रहे थे, ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, नवंबर 2016 मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस सुभाष भामरे जी ने सदन में 670 करोड़ अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है रफेल डील की, ये आ चुकी है बात, और इसको हमने एक बात कही कि स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, उसकी मारक क्षमता क्या होगी, ये इसलिए नहीं बताएंगे कि जो शत्रु देश है उनको लाभ होगा। अब आप देखिए क्या कोई सीक्रेसी पैक्ट है, क्या कोई सीक्रेसी पैक्ट है? अमन जी मैं अपनी बात, ये बहुत मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई सीक्रेसी पैक्ट है? राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं है, उनकी बात हुई है फ्रेंच प्रेसिडेंट। हाँ तो निर्मला सीतारमन जी ने आज उत्तर दिया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये साइन किया गया, हाँ, और सीक्रेसी पैक था, लेकिन मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं, ये AK एंटनी जी का जवाब है डिफेंस मिनिस्टर के नाते, एक एडमिरल गोर्शकोव करके पनडुब्बी लेनी थी, 10 साल तक ये लोग फाइनलाइज नहीं कर पाए, जो $974 मिलियन की पनडुब्बी थी वो 2.33 मिलियन 15,000 करोड़ रुपए का देश को नुकसान हुआ क्योंकि इन्होंने डिले करी। AK एंटनी का जवाब है, आप देख लीजिए, जवाब दीजिए,
25 जनवरी 2008 ये सीक्रेसी पैक्ट एके एंटनी ने साइन किया था सर, इसलिए सवाल कांग्रेस से भी। सर एक मिनट रुके, मैं निनाद सेठ और राजीव रंजन के पास चले जाऊं, उसके बाद अभी दुबे आप जवाब दीजिएगा। निनाद सेठ, कौन जीता मैच? देखिए आपने कहा कि अगर देखा जाए तो ये मैच कौन जीता, तो मैं कहूंगा कि वनडे इंटरनेशनल लास्ट के 10 ओवर बड़े मैटर करते हैं। अबे दुबे साहब एक मिनट रुकिए, डिबेट ओपन होगी फिर बोलिए। राहुल गांधी आए, एग्रेसिवली बैटिंग करी, हालांकि मोर ऑफ द सेम किया, पुराने ही मुद्दे उठाए। मेरे को लगा था कि जब नंबर्स ना हो तो नए मुद्दे उठाने का ही एक विकल्प रहता है, वो उन्होंने नहीं किया। मुझे लगता है कि आखिरी ओवर में एक आंख मार के संसदीय मर्यादा को विकेट हो गए करके वो हिट वो कैच हो गए बॉर्डर को बाउंड्री पे कैच हो गए, और मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका गवा दिया, एजेंडा तय करने का 2019 का, क्योंकि नंबर तो पहले ही नहीं थे। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन तो वैसे भी हार। राजीव रंजन उसके बाद डिबेट होगा, अभी दुबे उसके पास में, आप सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। राजीव रंजन, आज अगर राहुल गांधी जी के भाषण को सुन ले तो सबसे पहले टीडीपी ने जिस सवाल को लेकर अविश्वास प्रस्ताव रखा उस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। रीजनल इम्बैलेंसेस को लेकर के कांग्रेस का जो नज़रिया है, और जिस तरह से आज़ादी के 70 वर्षों में गरीब और अमीर राज्यों के बीच का फासला उनकी नीतियों के कारण बढ़ा, उस पर एक मौका था जब वो प्रायश्चित करने का अवसर, वो उस अवसर का इस्तेमाल कर सकते थे, अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते थे। आखिरी दिनों में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो बातें कही गई उसके अनुरूप उनके पास कुछ वक्त था सरकार जाने के पहले, नहीं जब वो उसका ऐलान करके जा सकते। ठीक है, फिर भी जो उसके बाद दो तीन चीजें उन्होंने कही, मुझे ऐसा लगता है कि राफेल का सवाल एक संवेदनशील मसला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, दो राष्ट्रों के बीच। राजीव रंजन जी, एक अविश्वास शिवसेना क्यों एब्सटेन कर गई? जी शिवसेना क्यों है, वो तो सहयोगी थी, अमित शाह तो मुलाकात करके आए थे मातोश्री में, शिवसेना क्या हो गया? सहयोगी छोड़ रहे हैं ना, एनडीए कमजोर पड़ रहा है ये तो दिख गया। अमन चोपड़ा जी एक गंभीर प्रस्ताव के दौरान शिवसेना क्यों एब्सटेन कर गई? मोदी सरकार का भरोसा नहीं है ना? की बात की आपने, शिवसेना की बात पूछी। सर मैं आपसे अमन चोपड़ा जी, आप भी सहयोगी हैं एनडीए के, करना चाहिए, आप भी एनडीए के सहयोगी है ना सर? तो बिल्कुल मैं अपनी पार्टी की बात कहूंगा ना, अमन चोपड़ा जी। जी जी, आप एनडीए पर कुछ नहीं कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है एनडीए पर कुछ नहीं कहेंगे, एनडीए पर भी कहूंगा। तो एनडीए में ही है ना शिवसेना, बेहतर ये होगा पहले हमारी पार्टी का स्टैंड तो पहले ले लीजिए, उसके लिए तो आपके पास गौरव जी भी बैठे हुए हैं, जो लीड पार्टी है गठबंधन की। ठीक है, वो शिवसेना पर कहे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अबे दुबे, है कि आज एक ऐतिहासिक अवसर था, ठीक है, राहुल जी के सवाल के खिलाफ जी। आप ठीक है फिर, ठीक है सर, ठीक है सर। अबे दुबे साहब, महिला सुरक्षा पर भी राहुल गांधी बोल रहे थे सर, उन्होंने कहा कि बाहर के देशों में रहा है कि हिंदुस्तान पहली बार अपने इतिहास में महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा, गैंगरेप होता है। सर जिस रिपोर्ट को कोट कर रहे थे राहुल गांधी, वो तो आप भी जानते हैं सर, वो इंटरनेशनल रिपोर्ट थी, अफगानिस्तान और सीरिया से भी बदतर हालात हैं भारत के, तो क्या उस ट्रैप में फंस रहे हैं राहुल गांधी और देश को बदनाम कर रहे हैं? अमन जी देखिए, पहले तो राजीव रंजन जी ने शायद राहुल जी का भाषण नहीं सुना, उन्होंने शुरू ही ये कहा आंध्र प्रदेश के धोखे से, उन्होंने कहा कि गाला जी आपने जो भाषण दिया है उस पर मैं कहना चाहता हूं, और उन्होंने शब्द प्रयोग किया जुमला, और राहुल जी ने कहा कि पहले जिक्र उन्होंने किया पहले, अरे अब मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं नहीं तो डिबेट में बोलने नहीं दूंगा, राजीव रंजन जी सुन लीजिएगा, राहुल जी मैं एक शब्द बोलने नहीं दूंगा, उस भाषण एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। अबे दुबे ऐसे धमकाइए नहीं, अबे दुबे आराम से ऐसे नहीं, वार्निंग नहीं, धमकाइए नहीं ऐसे नहीं, आपसे कोई सवाल पूछा तो बोले बोलने नहीं दूंगा ऐसे नहीं ना अबे दुबे साहब, घोटाले के आरोपी, अरे तो भयवश आ गए भाजपा के साथ, ये भय के कारण आ गए। सर मेरे सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिए ना, घोटाले में छोड़िए ना, मेरे सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिए, छोड़िए राजीव रंजन को, अबे दुबे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, महिलाओं की सुरक्षा का हवाला देकर राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के हाथ में खेल रहे हैं क्या? अफगानिस्तान और सीरिया से बदतर हालात हैं क्या भारत में? भारत की बदनामी में राहुल गांधी का नाम होगा क्या? बिल्कुल, अरे आप
मोदी सरकार जिस प्रकार बलात्कारियों के साथ खड़ी ना अमन जी, हाई कोर्ट तक में कह रहे हैं वो जी। वो जब उन्नाव का बलात्कार हुआ तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग निकाल के पढ़िए। योगी सरकार ये कह रही थी कि नहीं, नहीं, सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बाहर के देशों में, बाहर के देशों में, बाहर के देशों में, सुनिए बाहर के देशों में क्या मतलब है? अबे दुबे, अबे दुबे, क्या अफगानिस्तान सीरिया से खराब हालात हैं क्या भारत में? सरकार बलात्कारियों, भारत की बदनामी में आप राहुल गांधी का नाम कैसे होता है? राहुल जी हर उस मुद्दे को उठाएंगे जिसमें सरकार को, जिसमें देश की बदनामी हो रही वो भी उठाएंगे, आप समझिए, जिसमें देश की बदनामी हो रही वो भी उठाएंगे, जिसमें देश की बदनामी हो रही वो भी उठाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैं एक मिनट चाहूंगा। देखिए अभय जी से मेरा एक प्रश्न है, अभय जी सुनिएगा प्लीज। आप देखिए, आप आज कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मैं ये कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऑर्डिनेंस लाएगी, हमारी बच्चियों के साथ जो बलात्कार करेगा उसको फांसी की सजा होगी। वो विधेयक पेंडिंग है लेकिन आप लोग चर्चा नहीं करते हैं। और एक प्लीज सर, प्लीज ये गलत बात है, अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अगर आप, मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं, मैं ये क्या दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, गैंग रेप की बात कर रहे थे राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने तो कहा था गैंग रेप होता नहीं, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। आज उसी समाजवादी पार्टी के साथ आप कैसे खड़े? तीसरी बात, महिला आरक्षण और लड़कों के खिलाफ चुप्पी क्यों? आप बताइए, आज संसद के पटल पे उनसे महिलाओं के लिए जो नहीं कुछ लिखा उनका दल कर सामने राहुल गांधी, और आप मुझे मौका देंगे मैं तीन चार गलतियां बताऊं। देखिए उनकी तैयारी पूरी जो दावा दरअसल राहुल गांधी की तरफ से किया गया था उस पर फ्रांस सरकार की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। संसद में राहुल गांधी के बयान पर फ्रांस सरकार की प्रतिक्रिया, राफेल डील पर फ्रांस की सरकार ने राहुल गांधी के बयान को गलत बताया। अब क्या है? जब राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि मैं मैक्रों से मिला, फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि कोई सीक्रेसी पैक्ट नहीं है, उन्होंने दावा किया था कि मैं फ्रांस के राष्ट्रपति से खुद जाकर मिला, उन्होंने मुझे बताया, ये बहुत बड़ी खबर है। राहुल गांधी के बयान को फ्रांस सरकार ने गलत बताया है कि ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है। शायद इसी बात को लेकर विशेषाधिकार हनन प्रिविलेज नोटिस भी बीजेपी की तरफ से, प्रहलाद जोशी की तरफ से प्रिविलेज नोटिस भी दिया गया है। 2008 में जो समझौता हुआ था वही 2016 में रिपीट हुआ है। यह फ्रांस सरकार की प्रतिक्रिया है। यह कांग्रेस बहुत बुरी इस मामले में अब फंसती नजर आ रही है। बहुत बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं हम, राहुल गांधी ने संसद के पटल पर, ये इसलिए भी बड़ी खबर हो जाती है क्योंकि संसद के पटल पर ये बात उन्होंने कही थी जिसको लेकर बहुत हंगामा हुआ था। निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने देश को गुमराह किया, झूठ बोला कि कोई सीक्रेसी पैक्ट था। राहुल गांधी ने दावा किया कि फ्रांस के राष्ट्रपति से मेरी बात हुई थी, मैक्रों से मेरी बात हुई थी। और अब यह खबर है कि जो राहुल गांधी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रांस सरकार ने राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। और
और ये जी न्यूज के एक्सक्लूसिव खबर है, हम आपको बता दें ये राहुल गांधी का बयान था जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी खुद बात हुई है फ्रांस में, फ्रांस के राष्ट्रपति से, फिर थोड़ा और जब उनसे दोबारा बोला तो उन्होंने कहा किसी फ्रेंड से, और अब फ्रांस सरकार की प्रतिक्रिया। और जी न्यूज की एक्सक्लूसिव ये खबर है, आपको बता दें राफेल डील पर फ्रांस की सरकार ने राहुल गांधी के बयान को ही गलत बताया है। मेरे साथ अभय दुबे लगातार मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अभय दुबे साहब, इसीलिए आंख मार रहे थे राहुल गांधी कि उन्हें पता था कि इस मामले में भी झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं वो देश को, इसीलिए आंख मार रहे थे शायद। अब तो फ्रांस सरकार ने भी कह दिया कि ऐसे कोई बात नहीं हुई है, गलत बयान ही कर रहे हैं राहुल गांधी। अभय दुबे, अमन जी, हमने तो प्रामाणिक दस्तावेज राफेल कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी, उस एनुअल रिपोर्ट में बताया कि के राष्ट्रपति से कौन सी बात हुई थी, इसका सौदा जो था वो 241 मिलियन कर दिया मोदी सरकार ने, ये उन्होंने खुद ने रेट का खुलासा किया। राष्ट्रपति से कौन सी बात हुई थी जिससे बात हुई, फ्रांस कह रहे हैं कि राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं, फ्रांस से बात हुई ना राहुल, ये तो इसलिए आप मार रहे थे राहुल गांधी, वो समझ रहे थे कि वो झूठ बोल रहे हैं। मतलब फ्रांस की सरकार कह रही है राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कंपनी की हमने बैलेंस शीट निकाल ली और डिस्क्लोजर निकाल लिया। आप इस गंभीरता को समझिए कि आंख क्यों मारी झूठ बोलने के बाद, गुमराह करने के बाद देश को राहुल गांधी आप मार रहे हैं। 1000 फ्रांस की सरकार का जो वक्तव्य है उसमें आपको क्या कहना है, हम तो बताइए एविडेंस देंगे। एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं, चलिए अभी तुम्हें एक मिनट, पटल पर भी रखे जी, राहुल गांधी सही कह रहे हैं या फ्रांस सरकार, बस ये बता दीजिए मेरे को। वो तो राहुल गांधी सही कह रहे हैं, सरकार कह रही है राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, फ्रांस की सरकार कह रही है, अब बताइए आप मेरे को क्या राहुल गांधी ने झूठ बोला, देश को गुमराह किया राहुल गांधी ने फ्रांस की सर। राहुल, हम चुनौती देते हैं, हमारे पास प्रमाण है इस बात के, और फ्रांस की सरकार ने जो दस्तावेज जारी किए वो पटल पर रखेंगे, आज मैं कहता हूं आप। अरे फ्रांस के राष्ट्रपति से कौन सी बात हुई सर, अभी दुबे साहब, उसमें लिखा है भारत को जो प्लेन दिया है वो 241.66 मिलियन, मतलब 1570 सर्वो सीक्रेसी पैक्ट को लेकर दावा किया था राहुल गांधी ने, आपने सुना नहीं शायद, की सरकार ने बताया एक्ट ऐसा है या नहीं है, उन्होंने कहा कि अरे सुनिए अमन जी जी, वो सीक्रेसी पैक्ट जो है वो 2008 की बात कर रही है, और 2008 वाला ही 2016 में लागू हुआ, ये सरकार कह रही है सर, कंपनी 25 जनवरी 2008 तारीख 25 जनवरी 2008, एक एंटनी ने जो दस्तावेज साइन किए थे सीक्रेसी पैक्ट, वो 2016 में लागू हुआ है, वही लागू हुआ है, दो जानकारी पूरी नहीं है, 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट देखो राफेल कंपनी की, उन्होंने खुलासा किया है कि एक विमान 241.66 मिलियन डॉलर में हिंदुस्तान को दिया है, जो पहले 80.5 सीक्रेसी पैक्ट की बात कर रहा हूं, क्या राहुल गांधी ने निनाद से खुद ने किया है, इससे बुरी तो और किरकिरी हो नहीं सकती है। देखिए मैं ये कहूंगा, ये तो अगर आप थोड़ा सा ही पीछे जाएं तो जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे 26 जनवरी के लिए, तब भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि ये सीक्रेसी पैक्ट 2008 में जो साइन हुआ था ये फिर से साइन हुआ है, और सीक्रेसी पैक्ट कोई नया नहीं है, हर बार जब डिफेंस एग्रीमेंट्स होते हैं एक सीक्रेसी पैक्ट होता है कि जिसमें क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे वो। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी के पास मौका था प्रधानमंत्री को कई चीजों पर घेरने का, ठीक है, पर करप्शन पे प्रधानमंत्री को घेरना काउंटर प्रोडक्टिव होगा, लोग मानते नहीं है इस बात को। ठीक है वाशने साहब, सुरक्षा कारणों से डील को गोपनीय रखा गया ये सरकार कह रही है, देखिए यानी कि सीक्रेसी पैक्ट जरूरी था। अभी मैंने सारा सोर्स चेक किया, हर डिफेंस एग्रीमेंट में सीक्रेसी पैक्ट होता है। मैंने सारा सोर्स चेक किया, फ्रांस के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति ने बकायदा एक अखबार को आज इंटरव्यू देके शाम को ये बताया कि नहीं, भारत सरकार अपनी वो रेट्स को बता सकती है, राफेल डील के रेट्स को बता, जहां तक सीक्रेसी एक्ट के हथियारों के लेन देन में हमेशा सीक्रेसी एक्ट होता है ना, बात को हम मानते हैं, ठीक है, पर जब टर्म्स एंड कंडीशन आप चेंज करोगे 2008 और 2016 में, उसके पैक्ट को भी आपको बदलना चाहिए था। तो नहीं बदला ना, तो जो नहीं बदला तो सरकार की एक गलती नहीं, 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 है, नहीं, नहीं, सरकार की एक गलती है, उसके एम्बिट में राहुल गांधी को मत बचाइए, आप राहुल गांधी को बचा रहे हैं, राहुल गांधी को बचा रहे हैं, आप राहुल गांधी को बचा रहे हैं, आप मुझे बताइए राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया, आपने कहा सीक्रेसी पैक्ट है, और
पैक्ट था या नहीं, सीक्रेसी पैक्ट था या नहीं? वाशने साहब गलत है, वाशने साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सीक्रेसी पैक्ट था या नहीं? सीक्रेसी पैक्ट था तो राहुल गांधी ने क्यों कहा नहीं था? फिर राहुल गांधी ने क्यों कहा नहीं, क्यों कहा नहीं था? सीक्रेसी पैक्ट भी चेंज होना चाहिए। तो राहुल गांधी ने गलत कहा ना फिर कि नहीं था सीक्रेसी पैक्ट? पार्लियामेंट्री कमेटी देखे, फिर आप कहिए राहुल गांधी ने गलत कहा, कहिए राहुल गांधी ने गलत कहा। राहुल गांधी को मत बचाइए सर, राहुल गांधी को मत बचाइए। नवाब मलिक, नवाब मलिक, नवाब मलिक, ठीक है सर, नवाब मलिक सर, आप ठीक है सर, एक पेट्रोल डीजल, ठीक है सर, एक मिनट, ठीक है सर, नवाब मलिक, नवाब मलिक, लोकपाल, ठीक है सर, एक मिनट सर, एक मिनट, नवाब मलिक, राफेल डील को लेकर सीक्रेसी पैक्ट था, 2008 सुरक्षा कारणों से डील को गोपनीय रखा गया, ये सरकार की तरफ से, फ्रांस सरकार की तरफ से कहा जा रहा है सर। नहीं, फ्रांस सरकार ने ये नहीं कहा, सर यही कहे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, जी न्यूज़ की एक्सक्लूसिव जानकारी है, हम बता रहे हैं आपको, जाइए क्रॉस चेक करिए, आप गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस जाइए ना सर, आप क्रॉस चेक करिए, हम आपको बता रहे हैं, यही कहा है, यही कहा है, ठीक है सर, मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है सर, आपके पास ज्यादा जानकारी, ठीक है सर, ठीक है, देखिए ऐसा है, नवाब मलिक, सीक्रेसी पैक्ट जो होता है उसमें क्या क्या क्षमता है, कितनी मारक क्षमता है, कैसे मारेगी, क्या है, ये सब सीक्रेट चीजें होती हैं, लेकिन दाम 550 करोड़ में 2017 में कत्र खरीदे और आप 1600 करोड़ में खरीदेंगे, ठीक है, तो निश्चित रूप से 1050 करोड़ रुपए क्यों बढ़े, शंका खड़ी होगी और उससे लोग सवाल पूछेंगे। आप बताएं 550 करोड़ में खरीदा है कि 1600 करोड़ में खरीदा है, इतना तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। ठीक है, गौरव भाटिया, अमन राफेल पे मैं केवल इतना ही कहूंगा, आपकी एक्सक्लूसिव स्टोरी अभी आई है और उसके बाद भी उसको ना मानना, और एक अंधा व्यक्ति होता है उसके सामने, सीक्रेसी पैक्ट में होगा तो हथियारों की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं वो होगा ना। मैं क्विकली एक बार फिर से बोल देता हूँ दर्शकों के लाभ के लिए, मैं बता रहा हूं, सीक्रेसी पैक्ट का हिस्सा था, मैंने बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, सीक्रेसी क्लॉज जो साइन किया था वो पिछली सरकार ने किया था, एके एंटनी साहब ने कहा था, दूसरा 670 करोड़ उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है, ये नवम्बर 2016 में जवाब दिया जा चुका है। और मैं बड़ी बात कहना चाहता हूं आज की, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक लाया गया, क्या हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं इस बात की, बात में ही गैप है गौरव, क्या दिक्कत है भाई, मेरी में चाहे गैप हो चाहे, आप अपने टाइम में आइए ना भाई, ये कौन सा आपका तरीका बताइए, अरे तो आप तंग रहिए ना, मेरी को बात की बात कर रही है, आप क्या गलत कह रहे हैं, आपको टोका गया, आप 10 बातें गलत कह रहे हैं, आपको टोका गया, मैं आपको सर, आपने गलत कहा, आपको टोका गया, आपने इतनी गलत बयानी करी, मैंने आपको टोका सर, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सर, मैं वही कह रहा हूं ना, एंटी सर, आप तय करेंगे कौन गलत कौन सही कह रहा है, ये सब आप अपनी बात रखिए ना, वो तो सीक्रेट है, कंप्लीट करें गौरव भाटिया, कंप्लीट करें उसके बाद में बात है गौरव, आप देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ नो कॉन्फिडेंस मोशन आज जो है ये लोग लाए, अभी हम लोग सब जानते हैं कि क्या होगा, ये परास्त होने जा रहा है, ठीक है, ये एक बड़ा तमाचा है इन लोगों पे जो इस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए। दूसरी बात, ठीक है, आज विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही थी, ट्रिपल तलाक का मैंने आपको उदाहरण दिया, ठीक है, उसके बाद कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करी इन्होंने, क्यों नहीं उसमें त्रिलोचन महतो दुलाल कुमार मारा गया पश्चिम बंगाल, उस पर क्यों नहीं बोले, आर्मी दोकलाम की बात करी क्यों नहीं राहुल गांधी ने, मौका देती है, एक मिनट, अभी प्रधानमंत्री का जवाब आना बाकी है, अमन जी हम भूल रहे हैं, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है मॉब लिंचिंग पर, प्रधानमंत्री की चुप्पी मौका देती है, अपनी बात पूरी कर लू, अमन जी आप जरूर मुझसे प्रश्न पूछिएगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन मैं एक आपको जरा दिखा रहा हूँ अध्ययन करके उनका भाषण कितना खोखला था, इसका मुझे एक मिनट का बस मौका दे दीजिए, उन्होंने डोकलाम की बात करी, डोकलाम की बात करी तो ये क्यों नहीं बताया कि झूठ बोला कि चीनी दूतावास से नहीं मिले, बाद में मीडिया में रिपोर्ट आई, आर्मी की बात करी, गुलाम नबी आजाद का ये बयान, आर्मी सिविलियंस को ज्यादा मारती है, टेररिस्ट को नहीं, उसकी बात नहीं करी, हिंदू पाकिस्तान पे, हिंदू तालिबान पे, हिंदू क्यों नहीं चर्चा कर, हिंदू होने का एहसास हो गया सर, आपने तो हिंदू होने का एहसास करा दिया उनको, शिवभक्त होने का एहसास करा दिया, देश उनसे सुनना चाहिए, बोलने के लिए तैयार नहीं, तथ्यों के साथ महिला सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी ने कहा, मुलायम सिंह यादव नहीं बोले महिला सुरक्षा पर, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, गैंग रेप जैसी कोई चीज बहुत नहीं, साफ तौर पे जी रजी साहब, अरे गौरव भाटिया जी, मुलायम सिंह जी के पर बोलने से पहले
कम से कम अपने गिरेबान में झांकी सुन लीजिए, मुलायम सिंह यादव की वरिष्ठ है, मैं आज भी उनका सम्मान करता हूँ, बता देता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, कितना आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ नेताजी को, मैं सम्मान करता हूँ, जवाब दीजिए, मैं आपके वो रिश्ते नहीं होंगे, रिश्ते महिला सुरक्षा पर मुलायम सिंह यादव नहीं बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए चुप कराइए सर, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया सर प्लीज, गौरव भाटिया रजनी साहब बधाई देना चाहता हूँ। अरे गौरव भाटिया जी, आपकी सरकार और सदन प्रक्रिया मुझे ना बताओ, मैं सदन में सदस्य हूँ, आपकी सरकार ने हर वो बिल पास करा लिया, आपकी सरकार ने हर वो बिल पास कराया जिसकी जरूरत थी आपकी सरकार को, और जिसमें सिर्फ राजनीति करनी थी वो बिल आपने पास नहीं कराया, 300 से ज्यादा सांसद ले करिए, अगर आप बिल पास नहीं करा पा रहे हो ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं जी न्यूज को बधाई देता हूँ, अभी राहुल गांधी जी न्यूज के पास फ्रांस सरकार की प्रक्रिया गई, इसलिए महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, महिला आरक्षण सब कुछ, गौरव भाटिया साहब ने कहा कि यूपीए को इनकी महिला आरक्षण, महिला सुरक्षा सब कुछ मुस्लिम महिलाओं को नहीं कह देते राहुल, देखिए अबे दुबे अमन जी, मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया, पर मैं ये बता दूं कि मैं मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा कोई नहीं सुन पाता अभी, कांग्रेस पार्टी नहीं सुन पाती मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा राष्ट्रपति का, उन्होंने कहा कि ये भारत की सरकार पर निर्भर करता है कि वो क्या अपने पार्लियामेंट को डिस्क्लोज करना चाहती है, जो सिक्रेसी पैक्ट है उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट को रिवील नहीं करना होता है, फ्रांस की सरकार ने राफेल कंपनी ने खुद रेट डिस्क्लोज कर दिए, अब बचा क्या है, उनकी एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर हो गया और बता दिया उन्होंने, मैं एग्जैक्ट प्राइस बताता हूँ, 241.66 मिलियन डॉलर, और पहले जो सौदा हुआ था वो 80.95 मिलियन डॉलर का, मतलब 1600 करोड़ रुपए के लगभग वो खुद बता रहे हैं, अब क्या सीक्रेसी रह गई, ये डॉक्यूमेंट हम रखेंगे पार्लियामेंट के सामने, फिर मना करिएगा कि राहुल गांधी जी ने गलत बोला, पाकिस्तान की मदद कर बताइएगा देश को, आज भी मैंने कहा किया, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, दूध का दूध पानी का पानी फ्रेंच सरकार ने कर दिया सर, फ्रेंच सरकार की तरफ से साफ किया गया है, फ्रेंच सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो राहुल गांधी ने कहा वो गलत कह रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं राहुल गांधी, सवाल ये कि रफाल डील को लेकर मोदी को घेरने के चक्कर में क्या देश को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी, सवाल ये कि क्या मोदी को घेरने के चक्कर में देश को गुमराह किया राहुल गांधी ने, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है, इसी वजह से प्रिविलेज नोटिस भी दिया गया।